धनश्याम अपनी गर्भवती पत्नी सुषमा के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। धनश्याम बहुत ही गरीब था। धनश्याम ने अपने घर के बाहर कुछ सब्जियां उगा रखी थी। उन्हीं सब्जियों को धनश्याम बाजार में जाकर बेचा करता था और सब्जी बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे धनश्याम अपना घर का खर्चा चलाता था। एक बार की बात है, धनश्याम सब्जियां तोड़कर अपने टोकरे में रख देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, सुषमा जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो सब्जी बेचने जाने के लिए देरी हो जाएगी। आजी, आज भी खाने में बस खिचड़ी ही है। घर में सभी सामान खत्म हो गया है और आटा तो जरा भी नहीं बचा है और सभी मसाला भी खत्म है। जी, ये जरा सब्जियों को बेचकर हमारा गुजारा नहीं होता है। आपको कुछ और भी काम करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। हाँ सुषमा, तुम ठीक कहती हो। फिर धनश्याम खिचड़ी खाकर बाहर जाता है और देखता है कि उसके टोकरे में बस कुछ ही सब्जी बची है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, ये मेरी सब्जी किसने खा ली। धनश्याम की आवाज सुनते ही सुषमा बाहर आती है और बोलती है कि, अरे ये बकरी यहाँ कहाँ से आ गई? जरूर इसी ने भी ये सारी सब्जी खाई होगी, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा लाठी उठाती है और बकरी के पैरों पर जोर से मारती है और जैसे ही दोबारा बकरी को मारने लगती है कि धनश्याम सुषमा से लाठी छीन लेता है और बोलता है कि, अरे ये क्या कर रही हो तुम सुषमा, और तुम्हें ये दिखाई नहीं देता क्या, ये बकरी गर्भवती है और ऐसे बेजुबान जानवर को मारना बहुत ही गलत बात है। और कैसी बातें करते हो आप, एक तो थोड़ी सी ही सब्जी थी वो भी इस बकरी ने सब खा ली। अब आप ही बताओ बाजार में क्या बेचने जाओगे? वैसे ही बहुत दिनों से खिचड़ी खा कर मैं दुखी हूँ और आज रात तो लगता है कि भूखा ही सोना पड़ेगा। और आपको ये बकरी तो गर्भवती दिखाई देती है, पर मेरा क्या, मैं भी तो पेट से हूँ। अरे गुस्सा क्यों होती हो, जरा रुको, सब ठीक हो जाएगा। मगर तुम बेचारी बकरी को तो देखो, ऐसा लगता है बेचारी बीमार है, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। धनश्याम और सुषमा की बात सुनकर बकरी बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी सब्जी खा ली। अरे ये बकरी तो बात कर रही है। तुम बोल सकती हो? हाँ मैं बोल सकती हूँ, और मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए टोकरे में हरी हरी सब्जी रखी देखी तो मुझसे रह नहीं गया। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, और मेरी पत्नी को भी माफ कर देना, उसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें लाठी मार दी। वो क्या है कि मेरी पत्नी भी गर्भवती है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत गलत किया मैंने, पर तुम परेशान मत हो, सब्जी ना तो सही पर तुम मीठे मीठे बैर बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। यहाँ से कुछ दूर पर जो जंगल है, उस जंगल के अंदर बहुत सारे बैर के पेड़ है, और अच्छी बात ये है कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, तुम वो बैर इकट्ठा करके बेच सकते हो। मैं भी रोज जंगल जाकर बैर खाया करती थी, पर गर्भवती होने के कारण मुझे जंगल के अंदर जाने में मुश्किल हो रही है। बकरी की बात सुनकर धनश्याम अपना टोकरा उठाता है और जंगल में बैर लेने चला जाता है। और जंगल में बैर के पेड़ के नीचे से
ढेर सारे बैर इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है और कुछ ही देर में धनश्याम के सारे बैर बिक जाते हैं। फिर धनश्याम खुशी खुशी घर वापस आता है और सुषमा से बोलता है कि अरे सुषमा, कमाल हो गया, मेरे सारे बैर बहुत ही अच्छे दाम में बिक गए। फिर क्या था, धनश्याम रोज जंगल से बैर इकट्ठा करता और उन्हें अच्छे दामों में बाजार में बेचता है। कुछ ही दिनों में धनश्याम एक धनी व्यक्ति बन गई। इसी बीच उसकी पत्नी को एक बेटा और बकरी को भी दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। अब सुषमा और धनश्याम बकरी और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं मिलजुल कर। खुशी का जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी। उसके पिता मोहन ने जैसे तैसे करके उसकी परवरिश अकेला ही की है। अब खुशी 7 साल की हो चुकी थी। खुशी को अपनी माँ की कमी खलने लगी, इसलिए मोहन ने दूसरी शादी कर ली। खुशी की नई माँ विशाखा खुशी को बहुत प्यार से देखती थी, पर विशाखा के माँ बनते ही उसे खुशी एक आंख नहीं बाती। माँ, मेरा भैया कितना प्यारा है, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? ए लड़की, दूर रहना इससे, दिखता नहीं अभी वो कितना छोटा है, वो अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तुम जाओ अपने उस गंदे से कुत्ते के साथ खेलो, तुम्हें वो बहुत प्यार लगता है ना? विशाखा ऐसे डांटकर खुशी को बाहर भगा देती है। खुशी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कुत्ते मोती के साथ बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन विशाखा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तभी माँ, माँ, मुन्ना बहुत रो रहा है, माँ सुनो। माँ तो कुछ सुनी ही नहीं रही, अब क्या करूं, कैसे चुप करूं मुन्ना को? शायद उसे भूख लगी होगी इसलिए इतना रो रहा है, मैं इसके लिए दूध ले आती हूँ। मोती सुनो, मैं मुन्ना के लिए दूध लेना जा रही हूँ, तुम यही रहकर मुन्ना का ध्यान रखना। खुशी जल्दी से मुन्ना के लिए दूध लेने चली जाती है, तभी मुन्ना पलटी खाकर गिरने वाला होता है, पर मोती उसे बचा लेता है। तभी विशाखा मोती को मुन्ना के पास खड़ा देखकर गुस्से से आग बबला हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को काटने आया है, रुक तुझे अभी बताती हूँ। विशाखा डंडे से मोती को मारना शुरू कर देती है। ले ले और ले, आज मैं तुझे मार डालूंगी, मेरे मुन्ना को काटेगा तू। मोती चुपचाप मार खाता रहता है। तभी खुशी हाथ में मुन्ना की दूध की बोतल लिए वहाँ आ जाती है। माँ, इसे क्यों मार रही हो, इसे मत मारो, इसने क्या किया है जो इसे आप मारो चाह रही हो? अपने इस मोती को बोल कि मेरे मुन्ना से दूर रहे, अगर मैं वक्त पर ना देखती तो ये कुत्ता मेरे मुन्ना को काट खा था। माँ, मुन्ना बहुत रो रहा था, मैं आपको बुलाने भी गई थी, पर आप फोन पर किसी से बात कर रही थी, मैंने सोचा मुन्ना शायद भूखा है, इसलिए मैं मोती को यहाँ मुन्ना के पास ध्यान रखने को छोड़कर गई थी और मैं मुन्ना के लिए दूध लेने चली गई। आपको ऐसा लगा मोती मुन्ना को काटने आया है? माँ, मोती कभी किसी को नहीं काटता, वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब मैंने जो देखा वो गलत था सब, और तुम
इतनी सी होकर अपनी माँ से जबान लड़ाती हो? आने दो तुम्हारे पापा को, बताती हूँ फिर। शाम को जब मोहन अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो सुनो जी, इस घर में या तो ये मोती रहेगा या मैं। मोती ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उस पर इतना भड़क रही हो? आज ये मोती मेरे मुन्ना को काट खाता। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैंने वक्त पर देख लिया और मुन्ना को बचा लिया। क्या तुम सब बोल रही हो? तभी वहाँ खुशी आ जाती है। पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, मोती ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मोती ने तो। खुशी की पूरी बात खत्म नहीं होती कि विशाखा बीच में बोल पड़ती है, देखा देखा इस लड़की की कितनी जबान चलती है, ये आजकल मुझसे बहुत बहस करती है। अरे जब ये पराई घर जाएगी तब ससुराल वाले तो मुझे ही ताना मारेंगे कि इसकी माँ ने सिखाया है बहस करना। ऐसा बात नहीं है माँ, मैं तो बस मोती के। ये मोती अब इस घर में नहीं रहेगा, मैं अभी इसे कोई दूर छोड़कर आता हूँ। मोहन खुशी की कोई बात नहीं सुनता, वो मोती के गले में पड़े रस्सी पकड़ता है और उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाकर छोड़ आता है। मोती की याद में खुशी बस रोती ही रहती थी, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन विशाखा मुन्ना को झूला गाड़ी में लेकर कहीं जा रही होती है, तभी विशाखा का फोन आता है। फोन पर बात करते करते विशाखा के हाथ से झूला छूट जाता है। मुन्ना, अरे अरे कोई बचाओ मेरे मुन्ना को, मुन्ना मेरे बच्चे, मैं अभी आ रही हूँ मैं। तभी विशाखा को सामने से एक ट्रक आते दिखाई देता है। विशाखा ट्रक को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि ट्रक मुन्ना से बस कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही ट्रक मुन्ना के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तभी मोती अपने मुंह से झूले को पकड़कर सड़क के दूसरे तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है। मुन्ना मेरे बच्चा, मोती आज तुम मेरे मुन्ना को नहीं बचाती तो मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं होता। मोती तुम बहुत अच्छे हो, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं, घर के अंदर रहेगा। विशाखा की ये बात सुनते ही मोती खुशी से उछले लगता है। विशाखा मोती को अपने साथ घर ले जाती है। मोती को घर में देखकर खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसे वो गले से लगा लेती है। खुशी बेटा, तुम्हारा मोती बहुत अच्छा है, आज से मोती हमारे साथ ही रहेगा, क्या अब तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? तभी विशाखा खुशी को अपने गले से लगा लेती है। आज खुशी को उसका मोती और माँ दोनों मिल गए थे, आज वो बहुत खुश थी।